अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेटेस्ट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो, आपको इंशाल्लाह अपडेट मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पाकिस्तान के लिए रेंटल पावर प्लांट केस में आयद करदा $1 अरब के जुर्माने से बचने का इम्कान। केस के अहम तरीन किरदार ने रिश्वत लेकर पीपल पार्टी हुकूमत और तुर्क कंपनी के दरमियान मुहायदा करवाने का इतराफ कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान आलमी अदालत की जानिब से आयद करदा $1 अरब के जुर्माने से बचने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। बताया गया है कि इस हवाले से हुकूमत खास कर नैब को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। केस के अहम तरीन किरदार लायक अहमद ने रिश्वत लेकर पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत और तुर्क कंपनी के दरमियान मुहायदा करवाने का इतराफ कर लिया है। लायक अहमद ने इतराफ किया है कि इसकी जानिब से 3.5 लाख रुपए की रिश्वत हासिल करके गैर कानूनी तौर पर इस वक्त की पीपल पार्टी की हुकूमत और तुर्क कंपनी कार के दरमियान रेंटल पावर प्लांट का मुहायदा करवाया गया। नैब अदालत ने लायक अहमद का इतराफी बयान और केस में होने वाली पेश रफ्त की रिपोर्ट आलमी अदालत में जमा करवा दी। पाकिस्तान ने आलमी अदालत की जानिब से आयद करदा $1 अरब के जुर्माने के खिलाफ नजर सानी की अपील भी दायर कर रखी है। इससे कबल नैब ने मुलजिम लायक अहमद का एहतसाब अदालत से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। दूसरी जानिब मुलजिम के वकील ने मौकिफ अख्तियार किया है की कि जिस पैसे को रिश्वत कहा जा रहा है, मुलजम ने बाबर जुलकरनैन नामी शख्स को इस पैसे की ट्रांजैक्शन की थी। राजा बाबर जुलकरनैन और मुलजम बरादर निस्बती है। इनकी जो ट्रांजैक्शन हुई वह फैमिली का पैसा है। मेरे मुवक्किल को इस इंफॉर्मेशन पर गिरफ्तार किया गया जो इसने खुद दी है। नैब के पास कोई नए दस्तावेज नहीं। जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया इस केस में 5 मुलजमान गिरफ्तार है। मुलजिम और राजा जुलकरनैन ने ऑफशोर कंपनी को ट्रांजैक्शन की है। ऑफशोर कंपनी को $3,65,000 की ट्रांजैक्शन हुई। ये पैसा किसी जाती पैसा नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।